सब्सक्राइब करें अपने यूट्यूब चैनल लर्नआउट मेडिसिन को और बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए। स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन में, जहां आप पाते दवाइयों के बारे में संपूर्ण जानकारी। दोस्तों आज का ये वीडियो एक इंजेक्टेबल के बारे में है, जो कि एक एंटीबैक्टीरियल इंजेक्शन है। इसका नाम मेट्रोनिडाजोल इंजेक्शन है, साथ ही इसे मेट्रोनिडाजोल आईवी इन्फ्यूजन भी कहते हैं। ये आईवी मतलब इंट्रावेनस यूज के लिए ही बनाया जाता है, और साथ ही ये सिर्फ हॉस्पिटल तथा क्लिनिक यूज के लिए, बिना डॉक्टर की सलाह इस इंजेक्शन का प्रयोग नहीं किया जाता है। और मेरा निवेदन आपसे है, मेरा वीडियो देख के आप इस इंजेक्शन का प्रयोग नहीं करें, ना ही किसी को इस इंजेक्शन का प्रयोग लेने की सलाह दें। इस वीडियो में हम जानेंगे मेट्रोनिडाजोल इन्फ्यूजन क्या है, इस इन्फ्यूजन का प्रयोग किन किन बीमारियों में किया जाता है, क्या वार्निंग और प्रिकॉशंस रखने चाहिए, क्या इसके घातक दुष्परिणाम होते हैं, और वीडियो के लास्ट में हम जानेंगे इसकी डोज क्या है, किस तरह से इसको लगाया जाता है, कैसे इसको स्टोर किया जाता है, और भी कई महत्वपूर्ण बातें। इसलिए वीडियो को पूरा देखें, जिससे संपूर्ण जानकारी आपको मेट्रोनिडाजोल इन्फ्यूजन के बारे में मिल सके। साथ ही वीडियो को जोर से लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। मैं हूं आपका दोस्त मोहित, और आप देखिए अपना यूट्यूब चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन। चलिए आज फिर कुछ नया सीखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते दोस्तों। मेट्रोनिडाजोल एक एंटी माइक्रोबियल एजेंट है, जो कि माइक्रोब्स तथा बैक्टीरिया की ग्रोथ को खत्म करके उनको मारता है और बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करता है। यह जो मेट्रोनिडाजोल इंजेक्शन है, इसे मेट्रोनिडाजोल आईवी इन्फ्यूजन भी कहते हैं, जो कि सिर्फ आईवी इंट्रावीनस यूज के लिए ही बनाया जाता है। इसके अगर स्ट्रेंथ की बात की जाए, तो मेट्रोनिडाजोल जो इन्फ्यूजन है 100 ml की बोतल पैकिंग में आता है। ये ग्लास बोतल पैकिंग में पहले आता था, अब ये रबड़ बोतल पैकिंग में, साथ ही जो रबर बैग है उसमें अवेलेबल है। इसकी जो स्ट्रेंथ रहती है 100 ml की जो बोतल है, इसमें 500 mg मेट्रोनिडाजोल रहता है। और अगर पर ml के अकॉर्डिंग इसकी स्ट्रेंथ बात की जाए, तो 5 mg पर 1 ml की इसकी स्ट्रेंथ होती है। मेट्रोनिडाजोल आईवी इन्फ्यूजन का जो सॉल्यूशन होता है, ये स्टेरिल सॉल्यूशन होता है, और ये बैक्टीरियल एंडोटॉक्सिन फ्री होता है, जिस कारण से फीवर लाइक जो रिएक्शन है इनको अवॉइड किया जा सके। इस इन्फ्यूजन में मेट्रोनिडाजोल एक्टिव इंग्रेडिएंट की तरह रहता है, और इसके अलावा कई सारे एक्सीपिएंट्स इसमें डाले जाते हैं। एक्सीपिएंट वो सब्सटेंस है जो कि बीमारी में तो कोई भी रोल नहीं रखते, लेकिन इंजेक्शन के जो प्रिपरेशन में उसमें उसका महत्वपूर्ण रोल होता है, उसके बिना ये इंजेक्शन नहीं बन सकता। और जैसा कि मैंने बताया था, मेट्रोनिडाजोल 100 ml की बोतल पैकिंग में या ग्लास की पैकिंग में अवेलेबल रहती है। मेट्रोनिडाजोल जब भी आप मेडिकल स्टोर पर खरीदने जाते हैं, तो अपने जेनेरिक नाम मेट्रोनिडाजोल से ही मिल जाती है, और इसके अलावा भी कुछ पर्टिकुलर इसके ब्रांड नेम अवेलेबल, जैसे फ्लाजाइल इन्फ्यूज़न, मेट्रोजिल इन्फ्यूज़न, साथ ही मेट्रो इन्फ्यूज़न, ये सभी इसकी ब्रांड नेम है, जो कि आपको कहीं पर मिल जाएंगे। लेकिन ज़्यादातर जो है, ये अपने जेनेरिक नाम मेट्रोनिडाजोल आईवी इन्फ्यूजन से ही आपको मिलता है। दोस्तों अगर इसकी यूज़ की बात की जाए, किन किन बीमारी में इसका प्रयोग लिया जाता है, तो दोस्तों ये एक एंटीबैक्टीरियल इंजेक्शन है, जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। इस वीडियो से पहले एक मेट्रोनिडाजोल टेबलेट के लिए मैंने वीडियो बनाया था, जिसमें यूज़ को पूरी डिटेल से बताया था। यदि आप कोई यूज़ को पूरी डिटेल से जानना चाहते हैं, तो उस वीडियो को जरूर से देखें, ऊपर आई बटन में इसका लिंक मिल जाएगा, साथ ही डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दिया है, वहाँ पर क्लिक करके मेट्रोनिडाजोल टेबलेट के यूज़ को जाने, जो कि इसके सेम यूज़ होते हैं और काफ़ी डिटेल मैंने उसमें दी है। मेट्रोनिडाजोल इन्फ्यूज़न का जो यूज़ है, मुख्य जो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, इस इन्फ्यूज़न का प्रयोग सर्जरी के समय तथा सर्जरी के बाद में किया जाता है, जिससे कि जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, जो सर्जिकल इक्विपमेंट है, या किसी और भी कारण से जो होता है, तो उसको रोका जा सके। इसके अलावा कोई सीवियर एब्डोमिनल इन्फेक्शन हो या कोई सीवियर गायनोकोलॉजिकल इन्फेक्शन हो, तो उस समय में भी यह इंजेक्शन डॉक्टर द्वारा मरीज को दिया जाता है। ये दो इसके मुख्य यूज़ थे, और इसके अलावा जो यूज है, मैंने जैसे बताया था, मेट्रोनिडाजोल टेबलेट के वीडियो मैंने दिए हैं। दोस्तों जब भी आपको मेट्रोनिडाजोल इंजेक्शन लगता है, तो आपको कुछ सावधानियों का जरूर से ध्यान रखना है। वो इस प्रकार है, यदि आप मेट्रोनिडाजोल मेडिसिन से या इस ग्रुप की किसी भी मेडिसिन से एलर्जिक है, आपको लीवर डिजीज़ है और ये लास्ट स्टेज पे है, साथ ही ब्लड रिलेटेड कोई डिसऑर्डर है, नर्वस सिस्टम के संबंधित कुछ बीमारी है, साथ ही कोई महिला है जो प्रेगनेंसी है, उसका फर्स्ट ट्राइमेस्टर चल रहा है, मतलब 3 महीने उसको पूरे नहीं हुए, या कोई महिला है जो आने वाले 3 महीनों में प्रेग्नेंट होने की प्लानिंग कर रही है, या कोई पेशेंट है जिसको लो सोडियम डाइट का डॉक्टर ने कहा है, तो अगर ये सभी कंडीशन आपको है, तो इस सभी के बारे में अपने डॉक्टर को जोर से बताएं, जिससे कि आपको कोई सही मेडिसिन लिख सके, और यदि मेट्रोनिडाजोल बहुत ही आपके लिए आवश्यक हो, तो इसकी जो डोज है वो एडजस्ट करके लिख सकें। दोस्तों वीडियो के आगे के पार्ट में आपको मेट्रोनिडाजोल इन्फ्यूजन के कुछ वार्निंग और प्रिकॉशन बताना चाह रहा हूँ। यदि आपको ये इंजेक्शन लग रहा हो और उस दौरान आपको कुछ प्रॉब्लम का सामना करना पड़े, जैसे कि आपको अचानक से खुजली चलने लग गई हो, रेडनेस आपको हो गया हो, नोजिया वोमिटिंग जैसा लग रहा हो,
पेट दर्द आपको हो रहा हो या आपको कुछ डोज लगी हो 4-5 उसके बाद में आपको भूख नहीं लग रही हो, आपकी जो स्टूल है वो डार्क कलर का आ रहा हो, यूरिन भी डार्क कलर की हो या जॉइंडिस आपको हो गया हो, तो इन सभी कंडीशन के बारे में अपने डॉक्टर को बता दें, तुरंत ही बता दें, जिससे कि आपको मेट्रोनिडाजोल इंजेक्शन है ये रोक दिया जाए और फ्यूचर में आपको कभी नहीं लगाया जाए और जो परेशानियों का सामना आप कर रहे हैं उसके बारे में आपको कुछ ट्रीटमेंट दिया जा सके। और जब आपको ये इंजेक्शन लग रहा हो दोस्तों, एक विशेष सावधानी मैं आपको बताऊंगा, जब इंजेक्शन लग रहा हो या इंजेक्शन लगने की आपको लास्ट डोज हो गई हो और डॉक्टर ने आपको बता दिया हो आज के बाद वो इंजेक्शन नहीं लगेगा, आप ठीक हो गए हो, उसके 48 घंटे तक आपको अल्कोहल का सेवन नहीं करना है, शराब आपको नहीं पीनी है। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको बहुत ही खतरनाक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, आपको हॉस्पिटलाइजेशन भी हो सकता है। इसके बारे में मैंने पूरी डिटेल मेट्रोनिडाजोल टेबलेट के बारे में वीडियो में बताया है, उसे आप ज़रूर से देखें, आपको पूरी डिटेल पता चल जाएगी। तो आप शराब बिल्कुल ही नहीं पिए। दोस्तों अब बढ़ लेते हैं इस जो इन्फ्यूज़न है उसके अगर साइड इफ़ेक्ट किसी व्यक्ति को होते हैं तो क्या होते हैं। व्यक्ति को जब साइड इफ़ेक्ट होते हैं, इंस्टेंट साइड इफ़ेक्ट में व्यक्ति को सीवियर एलर्जी की रिएक्शन मिलेगी, जिसमें जहाँ पे इंजेक्शन लगा वहाँ पे रेडनेस हो जाएगा, इचिंग होगी, स्वेलिंग वहाँ पे हो सकती है, साथ ही हाथ पाँव में या चेहरे पर, होंठ पे, जीभ पे स्वेलिंग हो सकती है, नोजिया वोमिटिंग व्यक्ति को हो सकता है, मुँह में मेटालिक टेस्ट आ सकता है, ड्राई माउथ उसका रह सकता है। ये जो दोनों साइड इफ़ेक्ट है वो तो इंजेक्शन के ख़त्म होने के बाद अपने आप ठीक हो जाते हैं, लेकिन जो दूसरे साइड इफ़ेक्ट है उसके बारे में अपने डॉक्टर को ज़ोर से बताएं, जिससे कि आपको कोई दूसरा इंजेक्शन एंटीबैक्टीरियल लगाए और इस इंजेक्शन को बंद कर दे, और साथ ही जो प्रॉब्लम्स आपको हो रही है उसके लिए कुछ ट्रीटमेंट दे जिससे आपके ज्यादा प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़े। दोस्तों अब वीडियो के लास्ट में हम जान लेते हैं इस इंजेक्शन की डोज क्या है, कितनी मात्रा में लगाया जाता है और क्या सही तरीका रहता है मेट्रोनिडाजोल इंजेक्शन लगाने का। मेट्रोनिडाजोल इंजेक्शन की जो बोतल आती है वो 100 ml की बोतल आती है और ये सिर्फ सिंगल यूज़ के लिए ही होती है। ऐसा नहीं कि आपने किसी बच्चे को लगाया आपको बच गई और फिर वापस से आप यूज़ ले लें, ऐसा नहीं होगा, सिर्फ सिंगल यूज़ के लिए होती है। और जब भी ये पेशेंट को लगाई जाती है तो उस समय IV सेट की सहायता से डायरेक्ट वेन में लगाई जाती है, क्योंकि IV इंट्रावीनस इंजेक्शन ही है। इस इंजेक्शन को लगाने की जो स्पीड रहती है उसके बारे में आपको बता दूं दोस्तों, इसकी स्पीड 5 ml पर मिनट के अकॉर्डिंग लगाई जाती है, मतलब 20 मिनट से लगाकर 60 मिनट में अलग अलग पेशेंट को ये लगाई जाती है। ये पेशेंट की कंडीशन पे डिपेंड करता है किस तरह से लगाई जाएगी, मिनिमम 20 मिनट तो लगने ही लगने चाहिए। साथ ही इस जो इंजेक्शन की डोज रहती है 3 दिन से लगाकर 5 दिन या 7 दिन पेशेंट को डॉक्टर द्वारा दी जाती है, और उसके बाद में आवश्यकता पड़ने पर मेट्रोनिडाजोल ओरल डोज मतलब टेबलेट या सिरप उस पेशेंट को दी जाती है। दोस्तों वैसे तो आप सभी को पता है जो दवा की डोज रहती है पेशेंट के एज, वेट तथा डिजीज़ की सीवियरिटी के अकॉर्डिंग डिसाइड करते हैं डॉक्टर कि इतनी देनी है, लेकिन जो कॉमन डोज है वो मैं बता दूं, पोस्ट ऑपरेटिव जो इसकी डोज रहती है उसमें एडल्ट की अगर बात की जाए तो ऑपरेशन के 24 घंटे तक या कई बार 48 घंटे तक भी इसकी डोज दी जाती है, और इसकी जो डोज दी जाती है ऑपरेशन के पहले तथा ऑपरेशन के बाद दोनों ही समय में दी जा सकती है। उस समय यदि ऑपरेशन के पहले डोज दें, ऑपरेशन के 1 घंटे पहले डोज दी जाएगी 1000 mg से लगाकर 1500 mg, मतलब एक बोतल में 500 mg आता है तो 2 बोतल या 3 बोतल व्यक्ति को लगाई जाती है ऑपरेशन के 1 घंटे पहले। और यदि ऑपरेशन के 1 घंटे पहले नहीं लगाएं तो ऑपरेशन के तुरंत पहले 1 बोतल जो 500 मिलीग्राम की होती है उसको लगा सकते हैं, ड्यूरिंग द ऑपरेशन भी हो सकता है और ऑपरेशन के तुरंत बाद भी 1 बोतल लगा सकते हैं, और उसके बाद भी यदि डॉक्टर को नेसेसरी लगे तो 500 मिलीग्राम की जो 100 ml की एक बोतल है वो प्रत्येक 8 घंटे के अंतराल से पेशेंट को जितने दिन की आवश्यकता हो उतने दिन तक लगाते हैं। और यदि सीवियर एब्डोमिनल इन्फेक्शन की साथ ही सीवियर गायनोकोलॉजिकल इन्फेक्शन की डोज की बात की जाए तो उसमें भी जो इसकी डोज है सिंगल डोज यदि किसी पेशेंट को दी जाएगी तो 1000 mg से लगाकर 1500 mg, मतलब 2 बोतल या 3 बोतल प्रतिदिन लगाई जाएगी 24 आवर के गैप से। और यदि इसको डिवाइडेड डोज में दी जाएगी तो 500 mg की जो 100 ml की एक बोतल है 8-8 घंटे के अंतराल से उसको लगाई जाती है, और इसका जो ड्यूरेशन रहता है 7 दिन से लगाकर 10 दिन तक रहता है। और यदि किसी व्यक्ति को यह जो इंजेक्शन है 10 दिन से ज़्यादा तक लगा है डॉक्टर आपकी कुछ जांचें भी करवा सकते हैं। और बच्चों में इसकी अगर डोज की बात की जाए तो बच्चों में इसकी डोज रहती है वो लो रहती है। दोस्तों एक निवेदन मैं करना चाहूँगा, इसमें जो मैं डोज बता रहा हूँ ऐसा नहीं हो कि इस डोज के सेक्शन को देखकर आप अपने आप ट्रीटमेंट करने लग जाएं या आप किसी को इस इंजेक्शन के बारे में सलाह देने लगे, ऐसा नहीं करें। ये जो मैं बता रहा हूँ सिर्फ स्टडी मटेरियल के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, कई बार प्रैक्टिकली पेशेंट के लिए अलग अलग डोज रहती है तो डॉक्टर अपने अकॉर्डिंग डिसाइड करते हैं और पेशेंट को देते हैं। आप सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर की सलाह पे ही इसकी डोज लें, यह सिर्फ सावधानी के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ।
बच्चों में जो इसकी डोज रहती है वो लो रहती है। अगर बात की जाए तो सिंगल डोज के लिए 20 मिलीग्राम से लगाकर 30 मिलीग्राम प्रतिदिन बच्चे को दी जाती है, और अगर डिवाइडेड डोज की बात की जाए तो 7.5 मिलीग्राम प्रति केजी डिवाइडेड डोज में, मतलब 8-8 घंटे के अंतराल में दी जाती है। और ये जो इंजेक्शन न्यूबॉर्न बेबी तथा प्री मेच्योर न्यूबॉर्न बेबी उनको भी लगाते हैं, लेकिन उस समय डॉक्टर उस बच्चे की कंडीशन के अकॉर्डिंग डिसाइड करते हैं उसको कितनी डोज देनी है, कितनी बार देना है। और दोस्तों, जब भी आप इंजेक्शन लगे, आप मार्केट से खरीद के लेके आ रहे हैं, तो उस समय आप ध्यान रखें, सबसे पहले इसकी एक्सपायरी देखें, साथ ही जब आप ये इंजेक्शन लेके आ रहे हैं तो इसमें जरूर देखें इसमें कोई पार्टिकल नहीं हो या इसका डिसकलरेशन नहीं हो। जब भी यदि और यदि आप नर्सिंग स्टाफ है तब भी आप इन बातों का ध्यान रखें, और इस इंजेक्शन को आप सिंगल बार यूज़ ले लें तो नेक्स्ट टाइम के लिए इसको नहीं रखें, इसको डिस्कार्ड कर दें, फेंक दें। और यदि आप एक से ज़्यादा इंजेक्शन खरीद के लाए हैं तो इसको आप रूम टेम्परेचर पर रखें, रेफ्रिजरेटर में रखने की आवश्यकता नहीं है, साथ ही बच्चों की पहुँच से इसको दूर रखें। और इस इंजेक्शन का प्रयोग हॉस्पिटल तथा क्लिनिक दो ही जगह पे किया जाता है। अगर इन केस कोई ओल्ड एज पेशेंट हो या कोई नर्सिंग स्टाफ की सुपरविजन में या डॉक्टर की सुपरविजन में इंजेक्शन लग रहा है तो इसको घर पे लगा सकते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर की सलाह पे और डॉक्टर के सुपरविजन पे लगा सकते हैं। तो ये आप विशेष तौर से ध्यान रखें। और दोस्तों, इसी के साथ मैंने काफ़ी इन्फॉर्मेशन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट थी एज ए पेशेंट एज नर्सिंग स्टाफ मैंने बताई है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और कई नई जानकारी आपको मिली होगी। यदि आपको वीडियो पसंद आ गया हो तो जरूर से इसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें जो किसी और के भी काम आ सके। और अभी तक आपने अपने यूट्यूब चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो नीचे दिए गए बटन को दबाकर जरूर से सब्सक्राइब करें, जो पास में बेल आइकन है इसे जरूर दबाएं, जो आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले, सबसे पहले वीडियो देख पाएं। आप तो अपने दोस्त मोहित दादी के साथ देख रहे थे अपना यूट्यूब चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन। थैंक यू फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बी केयरफुल, मेडिसिन इज़